गाइस अगर आपके भी कैलकुलेटर ऐप से फोटो वीडियोस ऑडियो अगर डिलीट हो चुके हैं देन तो आप उसे वापस लाना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका जो कैलकुलेटर है उसमें फ़ोटो वीडियो पड़ा था और उस वीडियो और फोटो को आप वापस से लाना चाहते हो तो कैसे आप कैलकुलेटर से जो डिलीट हो चुके हैं उनको वापस लाओगे तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो कैलकुलेटर है वो अभी यहाँ पे ये है और इसके अंदर मैंने मेरा जो फ़ोटो है वीडियो है वो रखा है अब देन मैं इसे अनइंस्टॉल कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो डिलीट फोटो है उसे हम कैसे लाएं तो यहाँ पे सबसे पहले इसको प्रेस करूँगा देन ऐप इन्फो में जाऊँगा एफ इन्फो के बाद में यहाँ पर ये यह मुझे इस तरीके से रिलाइट कर देगा तो आपके सामने यहाँ अनइंस्टॉल है इस अनइंस्टॉल पर मैं क्लिक करके इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुका है देन यहाँ से भी गायब हो चुका है अब गाइस आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको सबसे पहले आपको अपना जो गूगल प्ले स्टोर है अपना जो गूगल प्ले स्टोर है उसे ओपन करना देन सर्च बार में लिखना है फाइल मैनेजर क्योंकि गाइस यहाँ पे आप जब भी अपना जो डिलीट किया है आपका फ़ोटो वीडियो कैलकुलेटर से तो उसे हम वापस लाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर लिख के सर्च कर देना है देन आपको गाइस करना क्या है कि यहाँ पे आपको ये वाला जो फाइल मैनेजर है यही आपको डाउनलोड करना है दूसरा नहीं करना है यहाँ पे लिखा रहा है फ़ाइल मैनेजर फ्री एंड इजी ठीक है तो इसे आपको ओपन करके इसे इंस्टॉल कर लेना है फिलहाल मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है देन मैं इसे यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन है उसको यहाँ पे मैं अपडेट कर लेता हूँ अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं कर रखा था गाइस तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए गाइस हमारा यहाँ पे अपडेट हो चुका है देन यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया देन यहाँ पे आपको आपका जो फ़ाइल मैनेजर है यहाँ पे फ़ाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है देन यहाँ पे आपका फ़ाइल ओपन कर लेना है देन आपका जो फाइल है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा इस थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर देना है देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स इस सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये यह वाला यहाँ पे लिखा रहा है शो हिडन फाइल्स अगर आपकी जो शो हिडन फाइल है वो अभी क्या है यहाँ से ऑफ़ है तो इसे हमें ऑन करना है तो इसे हम ऑन कर लेते हैं हमने इसे ऑन कर लिया है देन बैक आ जाना है देन उसके बाद में यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका बहुत सारे फोल्डर्स आ जाएंगे तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है यहाँ पे देख सकते हो डोंट डिलीट माई बाई हाइड यहाँ देख सकते हो हिडू यहाँ पे लिखा रहा है ये आपको फोल्डर ढूँढ लेना है आपको इस फोल्डर को ध्यान से देख लेना है गाइस क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ऊपर बोलोगे कि सर हमारा इसमें तो ये फ़ोल्डर आया ही नहीं तो इस फोल्डर का नाम आपको ध्यान से देख लेना है उसके बाद में इस फोल्डर को आपको ओपन करना है देन यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़ाइल्स का इस फाइल्स पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद में आपका जितने भी फ़ोल्डर्स यहाँ पे शो करे उस पर क्लिक क्लिक करके आपको ओपन करते जाना है उसके बाद में यहाँ पे फिलहाल मेरे इसमें चार यहाँ पे फोल्डर शो कर रहा है क्योंकि गाइस मैंने यहाँ पे चार जो है यहाँ पे मैंने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर रखा था मेरे कैलकुलेटर में देन उसे हमने डिलीट कर दिया तो हम वो जो फ़ोटो है वो लाएंगे तो आपको करना क्या है कि इसमें से जो भी आपको वापस लाना है उस पर क्लिक करना है देन थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है यहाँ से देन यहाँ पे आपको एक री नेम का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो री नेम ये वाला री नेम पर जाना है और री नेम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से इसे कट कर देना है यहाँ पे पूरी तरीके से कट कर देना है अब यहाँ पे गाइस आपको फोटो का नाम दे देना है आप कुछ भी दे सकते हो वह फोटो का नाम दे देना है एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ अब यहाँ पे आपने फोटो का नाम दे दिया अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे गाइस मेन इम्पोर्टेंट है डॉट यहाँ पे आपको डॉट लगाना है यहाँ पे आपको डॉट लगा देना है देन यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे लिख देना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जे पी जी कर देता हूँ यहाँ पे मैं पी जी ठीक है यहाँ पे आपको ध्यान देना है डॉट जे पी जी आपको ज़रूर लगाना है तभी आपका जो रिकवर है वो हो पाएगा ओके बटन पे क्लिक करना है देन यहाँ पे हमारा फोटो यहाँ पे आ चुका है तो मैं यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप ये बोलोगे सर ये वीडियो रियल नहीं है और ना ही ये फेक है क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत सारे यूजर के क्या है कि प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो वो कमेंट में यहाँ पे लिखते हैं कि सर ये हमारा तो काम नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ देन यहाँ पे आपको मो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डोट डोट लगाया जेल पी जी ठीक है उसके बाद में डन ओके okay, और उसके बाद में फिर से बोलेगा कि ओके ओके तो यहाँ पर मैंने ओके लिख दिया देन यहाँ पर मेरी दो फोटो यहाँ पर आ चुकी है तो इसी तरीके से आप भी अपना जो भी कैलकुलेटर से डिलीट फोटो हुई थी वीडियो हुई थी वो वापस ला सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और बेलाइकन को प्रेस जरूर कर लेना